नमस्कार दोस्तों, स्वाद अनोखा में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं एक अलग तरह का मीठा पान बनाने जा रही हूँ। इसमें ना ही कत्था लगेगा और ना ही चूना। आप इसे एक माउथ फ्रेशनर की तरह ही स्टोर करके रख सकते हो। ये माउथ फ्रेशनर बच्चे, बूढ़े और जवान सबको बहुत पसंद आएगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैं ले रही हूँ 25 मीठे पान के पत्ते। सबसे पहले इन्हें अच्छे से धोकर इनके डंठल तोड़ लेंगे। अब 4-5 पत्तों को एक साथ रोल करके कैंची से इनको बारीक बारीक काट लेंगे। सारे पान के पत्ते मैंने इस तरह कटिंग कर लिए हैं। अब इसमें डालेंगे 2 बड़े चम्मच गुलकंद, लाल सौंफ 1 चम्मच, कलरफुल सौंफ 1 चम्मच। ये दोनों सौंफ ही आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएगी। इसके बाद डालेंगे मीठी सुपारी 1 चम्मच। ये मीठी सुपारी मेरी होममेड है। इसकी रेसिपी मैं जल्दी अपने चैनल में शेयर करने वाली हूँ। अब डालेंगे टूटी फ्रूटी 1 चम्मच। ये भी होममेड है। इसकी रेसिपी आपको मेरे चैनल में रेसिपी नंबर 42 में मिल जाएगी। अब आखिर में 1 चम्मच जिंतान और 1/2 चम्मच इलायची पाउडर डालकर इनको अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के लगभग 1-2 घंटों के बाद गुलकंद अपना रस छोड़ चुका है। अब ये माउथ फ्रेशनर खाने के लिए तैयार है। दोस्तों, इसे आप एक बार खाओगे तो बार बार खाने का मन करेगा। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें।